कहानी शुरू होती है पेड़ के नीचे से। पूरी गैंग बैठी होती है क्योंकि लेक्चर होता है ऑफ। दबा के लोंडेबाजी चल रही है तुम्हारे भाई को छोड़ के। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। कौन आई कौन गई क्योंकि वैलेंटाइन का वातावरण चल रहा है ना। मेरी जान। तभी मेरे दोस्त के पास से मैं एक वेब सीरीज लेता हूँ क्योंकि भाई अपनी सेटिंग तो है नहीं कोई। चल झूठा। तो वेब सीरीज से ही काम चलाना पड़ता भाई। मस्त जोक मारा रे। दिन रात को लाइट वाइट सब बंद करके अपना कार्यक्रम चालू। लेकिन कुछ देर बाद मेरे सामने इतनी डरावनी सीन आ जाती ना भाई, गांड फट गई थी। तो वैसे मुझे आइडिया आता है और अगले दिन लंकेश भाई और साहिल भाई के साथ निकल जाते हैं सीधा शूट के लिए। तो ये है आज का हमारा लोकेशन। लोकेशन सजेस्ट किया अपने लंकेश भाई ने, तो थैंक यू भाई। और ये अपना ट्राइपॉड यहाँ पर लगा है। मॉडल आज के ये है अपने साहिल भाई। हीरो है, इसको मैं पिक्चर बनाने जा रहा हूँ अभी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हाँ, इसको हीरो बनाऊंगा अपने फिल्म का। अरे बाप रे। और कौन सा रोल दोगे भाई को? पूरा विलेन। ये बैग हमने लाए, टॉर्च भी लाए यार घर से वीडियो बनाने के लिए। देखना आप लोग हम लोग क्या क्या यहाँ पर खतरनाक चीजें करते हैं। तो शूटिंग के टाइम मैंने ना ही DSLR यूज किया हो और ना ही कोई महंगा फोन। रेडमी के नोट 10 प्रो से मैंने ये सारी चीजें किया हो पूरा शूट से लेके एडिटिंग तक, क्योंकि 90% गेम इसका होता है। अब पहला शॉट मैंने ग्राउंड लेवल से लिया, मॉडल चलते हुए आ रहा है वो सीन। देन कैमरे को ऊपर की तरफ मूव करते हुए धीरे धीरे लोकेशन को रिवील कर दिया। उसके बाद जो कैरेक्टर है, जो बंदा है ना, उसकी पूरी फट गई है और उसके चेहरे पर खतरा मंडरा रहा है। तो यही रिएक्शन कैप्चर करने के लिए ऑर्बिट शॉट लेना है सर्कुलर मोशन में घूमते हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला शॉट ऐसा है कि कोई बंदे को चुपके से देख रहा है। लोकेशन पे लकड़े का कुछ इस तरीके का बनाया था, उसी के पीछे से मैंने ये वाला शॉट लिया हूं ताकि सस्पेंस बना रहे वीडियो में। अब अगला शॉट बाहर से अंदर की तरफ आते हुए लेना है, बहुत खतरनाक लगता है भाई। और यही टेकना बाहर से भी लेना है ताकि एक फ्लो बना रहे वीडियो में। अब जैसे ही बंदा अंदर घुसा, वीडियो को पॉज करके अंदर की सीन कंटिन्यू करना है, ठीक है। इस तरह के और भी सिनेमेटिक शॉट्स लेना है अलग अलग एंगल से। जितनी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, जितने आइडियाज आपको आ रहे शूटिंग के टाइम, सबको ट्राई करो यार। जैसे कि ये वाले सीन देखो, सब कुछ सस्पेंस में चल रहा होता है लेकिन अचानक वहां से किसी के परचे गुजर जाती है और जो कैरेक्टर है ना वो बहुत डर जाता है। इससे और डरावना लगता है वीडियो और सस्पेंस क्रिएट हो जाता है वीडियो में। एक्चुअली वहां से लंकेश भाई चलते हुए आ रहा था। अब एडिटिंग में दो सबसे मेन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है वीडियो में सिनेमेटिक फील लाने के लिए, साउंड इफेक्ट और दूसरा कलर ग्रेडिंग फिल्टर के साथ। तो एडिटिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे इनशॉट और VN ऐप। इनशॉट एप्लीकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इनशॉट एप्लीकेशन में सारे क्लिप्स को ऐड कर लेंगे एक एक करके। उसके बाद साउंड इफेक्ट जो मैंने यहाँ पे यूज किया है और जो जो साउंड इफेक्ट्स की जरूरत होती है एक हॉरर सीन को क्रिएट करने के लिए, लाइक ब्रीदिंग, फुटस्टेप्स, वॉकिंग साउंड इफेक्ट, भेड़ियों की आवाज, ऐसे और बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स जो सीन को डरावना बनाए, तो ये सारी चीजें मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग वहां से जाके इजीली डाउनलोड कर लेना। अब देखो यहाँ पर साइड में वॉल्यूम का ऑप्शन है, इधर क्लिक करके इसको पूरा 0% कर लेना, ऊपर से अप्लाई टू ऑल कर लेना ताकि आगे जितने भी वीडियोस है उनका भी वॉल्यूम म्यूट हो जाए। उसके बाद स्टार्टिंग में म्यूजिक वाला ऑप्शन दिखेगा, इधर क्लिक करना है। और यहाँ पर मैंने किस तरीके से साउंड डिजाइनिंग किया वो मैं समझाता हूँ अच्छे तरीके से। सबसे पहले पैरों का सीन है चलने वाला, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉकिंग साउंड इफेक्ट लगा दिया हूँ। ऊपर म्यूजिक का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके माई म्यूजिक में जाना और यहाँ से साउंड इफेक्ट या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर और एक बॉम्ब इफेक्ट लगा दिया हूँ ये वाला। गाइज आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे जैसे ये क्लिप्स चेंज होते जा रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर ये बॉम्ब इफेक्ट लगा सकते हो। और यहाँ पर भेड़ियों की आवाज वाला साउंड इफेक्ट लगा दिया हूँ उसके साथ बॉम्ब इफेक्ट भी। अब देखना कितनी खतरनाक लगेगी ये सीन। ये देखो यार, एक लाइक तो बनता है यार इसी बात के लिए। और लोकेशन को दिखाते हुए ये वाला साउंड इफेक्ट लगा दिया हूँ, डेमोन घोस्ट साउंड इफेक्ट। अब देखो आप लोग कैसा लगता है ये सीन। ये देखो एक नंबर यार। अब ये वाले सीन में परछाई गुजरती, तो जैसे ही वो गुजरती ना वहाँ पर ये बॉम्ब इफेक्ट लगा दियो और चेक कर लेते एक बार। ये देखो खतरनाक भाई, खतरनाक, ठीक है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में सस्पेंस वाला साउंड इफेक्ट डाल दिया और एक मैन स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाने की आवाज़, और कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर साउंड डिजाइनिंग किया हूँ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से डालना है। अरे स्लो मोशन की बात कर रहा था। तो वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पर स्पीड में जाना और इसकी स्पीड 0.5x करना। उसके बाद ऊपर ही स्मूथ का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा वेट करना, देन आपके वीडियो में स्मूथ स्लो मोशन आ जाएगा।
अब सबसे पहले गाइज यहाँ पर फिल्टर में जाना है, उसके बाद एडजस्ट में जाके यहाँ पर नॉर्मल एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है, लाइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह, उसके बाद हाईलाइट शेडोज, ठीक है, आप लोग आपके वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर कम ज्यादा करना। उसके बाद क्या करना, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना गाइज, इसको सेव कर लेना। अब इसको VN एप्लीकेशन में ऐड करना है। उसके बाद गाइज नीचे फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके ये वाला फिल्टर लगाना, ठीक है, P7 का, और इसकी इंटेंसिटी इतनी रखना, लगभग 50%। देन एडजस्ट में जाके यहाँ पर मैंने जो जो कम ज्यादा किया होना गाइज, जैसे कि ब्राइटनेस भी आपको कम ही रखना है, लेकिन कितना कम रखना है वो आप लोग आपके वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट करना। उसके बाद सैचुरेशन कुछ इतना, देन वाइब्रेंस कुछ इतना, टेम्परेचर कुछ इतना, शार्पनिंग भी थोड़ी बढ़ा देना वीडियो में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपकी वीडियो यहाँ पर बन जाएगी। स्टार्टिंग में गाइज यहाँ पर ओपनिंग वाला इफेक्ट यहाँ पर लगा देना, ये वर्टिकल का जो इफेक्ट है ये अप्लाई करना, एकदम सिनेमेटिक स्टाइल में लगेगा वीडियो, ठीक है।